हेलो एवरीवन, दिस इज सना परवीन हियर। कुछ ये शॉर्ट वीडियो रहेगा, कुछ 10 क्वेश्चंस का, क्योंकि कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो अभी हमने सॉल्व नहीं किए थे, जो मिस हो गए थे थोड़े, तो वो अभी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस जस्ट क्विकली सी। इट्स गोना बी अ शॉर्ट वीडियो ऑफ ओनली 10 क्वेश्चंस। द स्पर्म हेड कंटेन्स, जो स्पर्म होता है उसके हेड में क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म के हेड के अंदर, या जो स्पर्म हेड है उसके अंदर क्या रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, एंथ्रोसोम, एक्रोसोम, आर्थोसोम और एस्कोसोम। आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये स्पर्म का हेड है, स्पर्म का हेड, नेक मिडल पीस एंड टेल, मिडल पीस एंड टेल, इस तरीके से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। तो स्पर्म का जो हेड होता है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ओवम के फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्रोसोम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इज, एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है। स्टिमुलेट्स सिंथेसिस ऑफ ओवम, स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ ओवम, स्टिमुलेट्स फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम और स्टिमुलेट्स डिग्रेडेशन ऑफ ओवम। तो आंसर अभी हम जस्ट देख के आए हैं, ये जैसे कि ये स्पर्म हो गया, स्पर्म का हेड है, इसके अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे ओवम है, तो ओवम के फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये एक्रोसोम मदद करता है, इसमें से एंजाइम्स रिलीज होते हैं ताकि ये स्पर्म के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंड्यूस करा सके। कुछ एंजाइम्स है जो वहां पे मदद करेंगे, वहां पे डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैरी आउट करेंगे, वहां पे थोड़ा सा लिसिस का प्रोसेस करेंगे ताकि जेनेटिक मटेरियल जो स्पर्म का है ये अंदर जाके हम ओवम के अंदर ट्रांसफर करा सके। तो आंसर क्या है, स्टिमुलेट्स फर्टिलाइजेशन ऑफ दी ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन्स सेल ऑर्गेनल कॉल्ड एज, जैसे कि ये स्पर्म का हेड, नेक मिडल पीस एंड टेल। तो ये जो मिडिल पीस है, इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, उस सेल ऑर्गेनल का नाम क्या है, फिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और राइबोसोम। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनल है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि स्पर्म को मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा, तो एनर्जी कौन बना के देगा उसको, माइटोकॉन्ड्रिया बना के देगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पर्म सेल्स आर देयर इन द एवरेज ह्यूमन इजैक्युलेशन। एक मेल इजैक्युलेशन करता है तो उसके इजैक्युलेशन में कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, 200 से 300 बिलियन, 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 ट्रिलियन, या 200 to 300 lakhs। आंसर इज 200 to 300 मिलियन। एक इजैक्युलेशन में 2 to 3 ml ऑफ सीमन बाहर निकल के आता है, और 2 to 3 ml सीमन बाहर निकल गया है जिसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस और ड्यूरिंग वन इजैकुलेशन। फॉर अ नॉर्मल मेल फर्टिलिटी, एक नॉर्मल मेल फर्टिलिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल मोटिलिटी एंड 40% मस्ट हैव नॉर्मल शेप। 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड 40% मस्ट हैव एक्रोसोम। 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड 40% मस्ट हैव विग्रेस मूवमेंट और नन ऑफ दीज। ओके, आंसर इसका क्या है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये PYQ है नीट का, ये सवाल आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। जैसे कि हमने एक इजैक्युलेशन में हमने काउंट कर लिया 100% स्पर्म्स, 100% स्पर्म है, इस 100% का जो 60% है, 100% का जो 60% स्पर्म है, इसका जो शेप है ये नॉर्मल होना चाहिए,
नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अब ये 60% नॉर्मल शेप्ड, जैसे कि 100% हो गया, इसमें से हमने 60% बाहर निकाल लिया, 60% का नॉर्मल शेप होना चाहिए। इस 60% के 40% की जो स्पर्म्स हैं उनको, उनका जो मोटिलिटी है ये फास्ट होना चाहिए, उनका मूवमेंट क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, फास्ट फास्ट स्पर्म्स चलने चाहिए, ठीक है। ओके, तो 100% का जो 60% है उसमें उतने स्पर्म्स का नॉर्मल शेप होना चाहिए। उस 60% में से जो 40% है उसका, स्पर्म्स का मोटिलिटी विगरस होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी, तभी फर्टिलिटी हो पाएगी, नहीं तो फर्टिलिटी करवाना मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मूवमेंट। नेक्स्ट, सीमन में क्या क्या पाया जाता है? सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्माटिड, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्माटोजोआ, सेमिनल प्लाज्मा पर प्लस स्पर्माटोगोनिया, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्माटोजोआ, क्योंकि स्पर्म्स होते हैं सीमन के अंदर, स्पर्माटिड नहीं होता है, स्पर्माटोगोनिया नहीं होता है, क्या होता है, स्पर्म होता है इस शेप का। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट, मेच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस और मॉर्फोजेनेसिस। क्योंकि यहाँ पे फीमेल के बारे में बात की गई है, आंसर हमारा हो जाएगा ओजेनेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट, ओजेनेसिस कब इनिशिएट होता है? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे या बर्थ के टाइम पे? ओके, तो कब ये स्टार्ट हो जाता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, जब वो फीमेल फीटस है तभी उसकी बॉडी के अंदर ओजेनेसिस इनिशिएट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज ओजेनेसिस, विच इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। ईच फीमेल ओवरी कंसिस्ट ऑफ, हर एक फीमेल ओवरी के अंदर कितने क्या होता है? मिलियंस ऑफ ओवा, मिलियंस ऑफ प्राइमरी ओसाइट, मिलियंस ऑफ ओगोनिया, मिलियंस ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, क्या प्रेजेंट होता है? तो आंसर है हमारा, मिलियंस ऑफ ओगोनिया पाए जाते हैं फीमेल फीटस की ओवरी के अंदर। ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स व्हिच आर द ओगोनिया आर फॉर्मड विद इन ईच फीटल ओवरी, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्मड और एडेड आफ्टर बर्थ। तो कपल ऑफ मिलियन व्हाट? कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया, कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, दैट इज ओगोनिया। लास्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ओसाइट आर इन विच स्टेज ऑफ सेल डिविजन? जो प्राइमरी ओसाइट है ये कौन से स्टेज ऑफ सेल डिविजन पे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिविजन। एनसीईआरटी का लाइन क्या है? दीज सेल स्टार्ट डिविजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिविजन। कहाँ पे है? प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिविजन पे होते हैं और यहीं पे ही अरेस्ट हो जाते हैं, जिनको हम प्राइमरी ओसाइट के नाम से पहचानते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड द इनिशिएटिव इज गोइंग टू बी एनसीईआरटी बाय हटिंग द एनसीईआरटी। सो बाय बाय एवरीबडी, टेक केयर।